हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो एंड दिस वीडियो इज फॉर क्लास 11th, ओके एंड चैप्टर नंबर 17, ओके स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द सीबीएसई रिलीज्ड यस्टरडे ओनली, ओके अबाउट डिलीशन ऑफ सम चैप्टर्स So the chapter we started that was chapter 16 and now is now has been deleted from your syllabus for this academic year, we can say session, okay. तो chapter 16 को डिलीट कर दिया गया बच्चों, अब chapter 17 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस से बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान हुआ आप लोगों का, ठीक है. रिजल्ट डिले हो गया, नहीं अब तक तो आप लोग पूरी तरह से हमारा आपका पढ़ाई फुल स्पीड चलता तक, ठीक है. अभी आपको रिजल्ट भी बाकी है, तो चलिए विदाउट मेकिंग इट सो डिले स्टार्ट करते हैं टुडेज क्लास. सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सर सेम टॉपिक आई होप स्टडीड, यू आर स्टडीड इन क्लास 10th, बट देर आर सम एडिशन ऑफ टॉपिक्स. यहाँ कुछ टॉपिक्स क्या किया बच्चों, ऐड कर दिया गया है, ठीक है. तो ब्रीदिंग तो हम बता चुके हैं क्या होता है, ये फिजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन बेटा ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन. तो अगर कहा जाए रेस्पिरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रीदिंग, एक होता है क्या सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है बच्चों. तो रेस्पिरेशन का क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए क्या होता है, सॉरी बच्चों हमको ये सब पूरा जरूरत होगी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी रिलीज होती है. क्या होती है बच्चों, रिलीज एटीपी. सो वी कैन से रेस्पिरेशन इज इक्वल टू ब्रीदिंग, दिस ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. सॉरी दिस टाइम आई हैव गॉट सो मच स्निचिंग. सो ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस हो गया और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो गया, ये बायोकेमिकल. बायोकेमिकल क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू CO2 H2O एंड ATP रिलीज. तो क्या हुआ, बायोकेमिकल यानी कि लिविंग बॉडी में हो रहा है बच्चों ना, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. दिस इज व्हाई इट इज आल्सो नेम्ड एज बायोकेमिकल प्रोसेस. ये फिजिकल क्यों बोला गया, क्योंकि हम ब्रीदिंग करते हैं ना, देखिए ये फिजिकल प्रोसेस होते हैं बच्चों, रनिंग वॉकिंग, तो सांस लेना क्या है, करके ये फिजिकल प्रोसेस है. सो आई होप यू हैव गॉट अ पॉइंट, ठीक है बच्चों. तो देर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके. फर्स्ट इज द ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज द रेस्पिरेशन. तो ह्यूमन में कौन सा होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स. क्या होते हैं, लंग्स होते हैं. फिश एंड टैडपोल, टैडपोल ऑफ किसका, फ्रॉग. किसका बच्चों, फ्रॉग. दैट इज द गिल्स, ठीक है. कॉकरोच में क्या होता है, स्पाइकल्स होते हैं. कॉकरोच के साथ साथ इंसेक्ट में भी होते हैं, ठीक है. इंसेक्ट में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, देयर आर सम एक्सेप्शंस, ओके. तो जैसे कि आपका पैलीमान हो गया, पैलीमान जानते हो, झींगा मछली जानते हो, झींगा. झींगा इज नॉट अ फिश, इट इज अ इंसेक्ट, उसमें कुछ और होते हैं, ठीक है. तो उसका डिटेल नहीं पढ़ना आप लोगों को, ठीक है बच्चों. क्या नेक्स्ट, फ्रॉग. फ्रॉग हैविंग थ्री मोड ऑफ, वी कैन से थ्री टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. गिल्स भी होता है, दैट इज टैडपोल, दैट इज द लार्वल स्टेज. लंग्स क्या होते हैं, आउटसाइड वाटर, वाटर से बाहर आता है. तो क्या होता है, फ्रॉग ओपन इट्स माउथ एंड स्टार्ट ब्रीदिंग, ठीक है. वाटर में होगा तो क्या करेगा, स्किन से लेता है, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू, कि वाटर में तो ऑक्सीजन है ही, तो उसी O2 क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 को बदले में रिलीज करते हैं वाटर में थ्रू द स्किन. सो If you have any doubt left, you can comment in my WhatsApp group, okay? My own school, okay, students? Or this is all about the first lecture of chapter 17, okay, students? And students of my school,
मेक दिस इन योर कॉपी, नोट दिस इन योर कॉपी एंड सेंड मी टुडे ओनली. ओके, गॉट द पॉइंट? सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. सो आई होप यू हैव टेकन. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबा.